बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गणपति का त्यौहार महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, इतने धूमधाम से मनाया जाता है। तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में हूँ। सर, गणपति जब भी आते हैं तब काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, काफ़ी सारा अच्छे काम हो जाते हैं, जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं वो टल जाती है आदि आदि। तो आपके साथ कुछ ऐसा कुछ कभी हुआ? मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ कुछ मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत अच्छा होने इंट्यूशन वाला है, ऐसे इंट्यूशन से कि बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब कहीं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसा कुछ? हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसा कि आशिमा ने बताया आप सबको, तो बिल्कुल आप सबके सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। मतलब काफी धमाका प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि काफी हाइड हो रहा है प्रोजेक्ट। लग रहा है कि धमाका ही होगा। बिल्कुल अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। सर, इस गणपति जी के बारे में बताइए, कब विसर्जित होने वाले हैं? हम लोगों ने यहाँ 1.5 दिन के गणपति रखे हैं। कल ही दिन तक या शाम तक या हम लोग विसर्जित करेंगे इनको, और इनका आशीर्वाद बना रहे। खूब धूमधाम से हमने इनको यहाँ स्थापित किया है। तो सर, आज मतलब गणपति जब जाएंगे तब काफी दुखी माहौल हो जाता है, साथ साथ अच्छी वाइब्स भी छोड़ जाती है कि भाई मैं आ रहा हूँ अगले साल वापस। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी खुशी के साथ इनको विदा करेंगे कि अगले बरस वो फिर जल्दी आए। एंड जो हमने इनसे मांगा है आज, जो हमने दुआ की है, प्रार्थना की है, हमारी कबूल हो और हम जो करने जा रहे हैं बहुत अच्छा। ओके, इसे कोई मैसेज आप देना चाहूँगा? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, गणपति बापा की दुआ तो मुझे लग रहा है कबूल हो गई है, मुझे लग रहा है अंदर से। आप सब लोगों की भी दुआएं चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बापा मौर्या, अगले बरस तो जल्दी है। अच्छा मैम, आप भी यहाँ पे आज मौजूद है गणपति जी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप बताइए गणपति जी पर आप कितना भरोसा करती, कितना बिलीव करती हैं? जी, हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से तो प्रथम देवता है गणपति जी। गणपति जी की पूजा करने के बाद ही बाकी देवताओं की पूजा होती है, तो ये तो हमारे पुराणों ने उनको ये स्थान दिया है, हम कौन है बोलने वाले। तो इनकी महिमा तो बहुत ज़्यादा है। तो मैम, आपको मैसेज देना चाहेंगे? भरोसा रखिए, बस यही सबसे बड़ी बात है। ये जो युग है इसमें हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं होता है, भरोसा चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। और यही संदेशा भगवान जी हमें देते हैं कि मुझे भरोसा रखो। आप लोग सोचते हैं कि मुझे तुरंत चाहिए क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है, ऐसे नहीं है। आपकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा वो जानता है ना। तो भरोसा रखोगे उस पर तो सब कुछ अच्छा होएगा, जो होने वाला है सब कुछ उस पे छोड़ दो। मैम की तरफ से मैं कुछ कह देता हूँ। मैम भरोसा कर रही हैं, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, राह में मत रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए अच्छा कह दिया सर ने, और तो क्या चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सब लोग स्पेशल, सबसे बड़ी बात ये है कि गणेश जी मेरी बेटे डाले हैं और मेरे छोटे भाई अजमेर से चल के यहाँ आए हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए, और इन्होंने दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाँ भर दी है, और वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, जिसके मतलब एक बम होता है, ये एटम बम फोड़ने वाले हैं। ये हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं और 3 साल से हमें कुछ ना कुछ आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस मैं तो मेरी बेटी के लिए मांगा, और मैंने ये मांगा कि राजीव जी को भगवान वो शक्ति दे जो पहले उनके पास थी। मैं भी ओपन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 3 आजकल में ही शायद घोषणा हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि उसकी खुद के मुंह से हो,
जो मतलब आर्टिस्ट का बहुत बड़ा नाम है, तो मैं ये नहीं चाहता मेरे मुँह से। नमी तो इसलिए चाहती है कि हमारे मानसिक परिवार से जा रहा है कोई, जैसे बच्ची चली जाती है ना परिवार से, उस तरीके का दिल में दुख होता है। इस तरीके आप गणपति जी पे विश्वास करें, आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होंगी। गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। थैंक यू।